त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को लेकर रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने कहा कि कल शाम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ पूरे राज्य में नगर परिषद क्षेत्रों एवं छावनी क्षेत्रों को छोड़कर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों और राज्य सरकार पर लागू होगी। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा, जिसमें टेंडर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत की योजनाओं के कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आएंगे। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं एवं किसी प्रकार की अवमानना होने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोषांगों का जो विभिन्न कोषांग हैं उसमें समस्त का प्रभार एक वरीय पदाधिकारी को दिया गया है और सभी को अपना टास्क डिलीजेंटली अच्छे से परफॉर्म करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस पूरे कोषांगों के वरीय प्रभार में डीडीसी साहब रहेंगे। चुनाव के लिए हमारा जो स्ट्रांग रूम है और जो मतगणना केंद्र है ये सब पिछले सभी चुनावों की तरह रामगढ़ कॉलेज हमारा महाविद्यालय जो है वहीं पर रहेगा। उसका भी मेरे और एसपी साहब के द्वारा ज्वाइंट निरीक्षण किया गया है और उसमें कुछ सुधार जो किए जाने थे उसके लिए भी निर्देशन दिया जा चुका है। रामगढ़ से न्यूज विंग के लिए मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।